हाय फ्रेंड्स, आई एम शिवा, यू आर वाचिंग स्पेसिफिक। दोस्त, आज मैं बात करने वाला हूँ कि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है और कॉपीराइट क्लेम क्या है। आप एक YouTube क्रिएटर्स है तो आपको ये तीन चीज जान लेना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका चैनल कभी भी टर्मिनेट हो सकता है। आपको ये तीन चीजों के बारे में पता है या नहीं पता है? पता है तो आप वीडियो थोड़ा देख लीजिए कि आपके मन में जो डाउट है, उम्मीद करूंगा आज के वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं पहले बात कर लेता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या है। दोस्तों, YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यह आपको YouTube की तरफ से मिलता है। क्यों मिलता है ना, आप जब भी YouTube के खिलाफ यानी कि YouTube की गाइडलाइन खिलाफ, जैसे कि मान लीजिए किसी एडल्ट फिल्म या किसी मूवी का अपने चैनल पे आप अपलोड करते हो या लाइव एक्सीडेंट दिखाते हो या किसी को अपना वीडियो में गाली गुलौज करते हो, तो आपको YouTube की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलता है। क्योंकि आपने YouTube का जो टर्म एंड कंडीशन है, जो गाइडलाइन है, उसके खिलाफ आप जाके कुछ ऐसे किए, इसलिए आपको YouTube की तरफ से गाइडलाइन स्ट्राइक मिलता है। और दूसरी स्ट्राइक की मैं बात कर लेता हूँ, दूसरी स्ट्राइक है कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक आपको YouTube क्रिएटर की तरफ से मिलता है। जैसे कि आप एक YouTube क्रिएटर्स हैं तो किसी देश से दूसरे YouTube यूजर से आपको ये स्ट्राइक मिलता है। ये स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों मिलता है ना, जब भी आप किसी भी दूसरे यूजर की चैनल का नेम कॉपी करके अपना चैनल का नेम रखते हो या किसी भी यूजर का वीडियो या उसका कंटेंट चुरा के आपने चैनल में अपलोड कर देते हो, वहां से आपको जो यूजर है वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। बेसिकली कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक में डिफरेंस क्या है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। कम्युनिटी जो गाइडलाइन स्ट्राइक है वो आपको यूट्यूब की तरफ से मिलता है, जो आपका यूट्यूब का टर्म एंड कंडीशन उससे खिलाफ जाते हो, और कॉपीराइट स्ट्राइक जो होता है वो आपको यूजर से मिलता है। जैसे कि आप उसका किसी भी वीडियो या किसी भी उसका चैनल का नाम को कॉपी करते हो, इसलिए आपको मिलता है। दोस्तों, तीसरी जो पॉइंट है वो है कॉपीराइट क्लेम। दोस्तों, ये पॉइंट को आप ध्यान से देखना, नहीं तो आपका चैनल, मान लीजिए यदि अंडर रिव्यू में है तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइजेशन नहीं होगा, यदि आप ये गलतियां अपने चैनल पे करते हो। जैसे मान लीजिए मैं बात अभी कर रहा हूँ थर्ड पॉइंट, जिसको कहते हैं कॉपीराइट क्लेम। दोस्तों, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है ना, जब आप किसी भी चैनल का म्यूजिक वीडियो अपने चैनल में अपलोड करते हो, सपोज मान लो आप किसी भी टी सीरीज, ऐसे कोई सपोज मान लीजिए आपने मेरा चैनल का वीडियो अपने चैनल में अपलोड किया, तो मैं चाहूंगा यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता हूँ और कॉपीराइट क्लेम भी दे सकता हूँ। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको कॉपीराइट क्लेम देता हूँ। कॉपीराइट क्लेम बेसिकली देखो ये होता है, ऐसे कुछ सी टाइप का लिखा हुआ आता है। जब मैं आपको कॉपीराइट क्लेम देता हूं तो यहाँ पे आपका चैनल पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको क्या क्या दिक्कत आता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो वीडियो आपने कॉपी करके अपलोड किया है, उस वीडियो पे तो कॉपीराइट क्लेम आया है, तो आपका उस वीडियो का जितना भी अर्निंग होगा वो उस बंदे के पास चला जाएगा जिसका म्यूजिक या किसी भी वीडियो को आप यूज की हो। और दूसरा ना, उस वीडियो पे जितना भी वॉच टाइम आएगा वो उस बंदे के पास ही चला जाएगा जिसका आपने वीडियो अपलोड किया है। सपोज मान लीजिए आपका चैनल अभी अंडर रिव्यू में चल रहा है, तो आपका चैनल बहुत दिन हो गया अंडर रिव्यू है, लेकिन आपका मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं हो रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि आपका चैनल पे कहीं पे भी कॉपीराइट क्लेम वाला वीडियो तो नहीं है। क्योंकि जो वीडियो आपने कॉपीराइट वीडियो अपलोड किया है, जिसपे कॉपीराइट क्लेम है, उसका जितना भी वॉच टाइम उस वीडियो पे पर्टिकुलर जितना वॉच टाइम आया है वो उस दूसरे बंदे के पास चला जाएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे तीन पॉइंट की बात की है, ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, दूसरा है यूट्यूब जो स्ट्राइक कॉपीराइट स्ट्राइक, और तीसरा है यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो देखने पर आपका जितना भी मन में डाउट था ये तीनों चीजों को लेकर, जैसे कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम को लेके सारे डाउट क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इस तरह ट्रिक एंड ट्रिक्स वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं।